लगातार आप देख रहे हैं टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक, कहा शाह ने एक संविधान एक निशान एक प्रदान हुआ था लागू, वहीं राम मंदिर की रखी गई थी नींव। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई वन्य जीव बोर्ड की बैठक, संरक्षित करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर, वन्य जीव संरक्षण में मृतक के परिजनों को मिलेगा 6 लाख का मुआवजा। रक्षाबंधन पर महिलाओं और वाहनों को तोहफा, 30 अगस्त को बसों में महिलाएं कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा, सरकार उठाएगी खर्चा, सीएम धामी ने जारी किए आदेश। देहरादून में कांग्रेस का एक दिवसीय मौन व्रत, एक दिवसीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में दिया धरना, बढ़ते महिला अपराधों को लेकर साधा निशाना। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल 11,000 फीट की ऊंचाई पर होगा बटर फेस्टिवल का आयोजन, छाछ और मक्खन की खेली जाएगी होली, दुनिया का है पहला अनोखा मेला। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 अगस्त को ऐतिहासिक दिन बताया है। देहरादून से सीएम धामी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 खास है, जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था और एक संविधान और एक निशान के प्रदान पूरी तरह से लागू हुआ। वहीं सीएम ने ये भी कहा कि आज ही के दिन भव्य और दिव्य राम मंदिर में की नींव रखी गई थी, जिसका राम भक्त और राष्ट्रभक्त इंतजार कर रहे थे। सीएम ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, 5 अगस्त 2019 का दिन, चूंकि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को देश के अंदर एक संविधान एक निशान और एक प्रधान ये पूरी तरह से लागू हो पाया, और इसका पूरा श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई और देश का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिस अध्याय की लोग देश की आज़ादी के कालखंड से लेकर लगातार इसका इंतजार करते रहे। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सच मायने में एक हुआ। हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर की जो नींव है वह भी आज ही के दिन रखी गई, जिसका भी राम भक्त और राष्ट्र भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आपको सीधा यूपी की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर इटावा में एक सांसद को सजा सुनाई गई है। बता दें कि इटावा की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई गई है। इटावा के बीजेपी सांसद रामशंकर कोठारिया को सजा सुनाई गई है। मारपीट और बलवा मामले में 2 साल की सजा उनको सुनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से आपको बता रहे हैं। बता दें कि सांसद को 2 साल की सजा सुनाई गई है, एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि मारपीट और बलवा मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। यूपी के इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को सजा सुनाने का मामला सामने आया है। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है, मारपीट और बलवा मामले को लेकर यह सजा सुनाई गई है। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि यूपी के इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मारपीट और बलवा मामले में 2 साल की सजा एक सांसद को सुनाई गई है। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है, 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। मारपीट और बलवा मामले को लेकर ये सजा सुनाई गई है। बता दें कि यूपी के इटावा से ये खबर है, जहां पर बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई है, एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है, 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि मारपीट और बलवा मामले को लेकर उनको सजा सुनाई गई है। यूपी के इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्यों सांसद को सजा सुनाई गई है? ब्रजेश जी, कृति बिल्कुल बता दूं आपको कि ये जो है 2011 का मामला है। रामशंकर कठेरिया जो है अपने साथियों के साथ टोरंट विभाग की एक मीटिंग में पहुंचे थे। वहां पर तो बताया जा रहा है कि उसमें जो है 10-15 लोगों के साथ पहुंचे थे और टोरंट का जो अधिकारी था उसके साथ जो है मारपीट करी थी। टोरंट के अधिकारियों ने रामशंकर तत्कालीन स्थानीय सांसद थे उनके खिलाफ जो थाने में तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर उसकी जो है कोर्ट में पेशी थी। आज जो है विशेष मजिस्ट्रेट ने इनको जो है 2 साल का कारावास सुनाया है। जी ब्रजेश, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून सचिवालय में वन्य जीव बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल सहित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी पर भी जोर दिया गया, किस तरह से वन्य जीवों को संरक्षित करते हुए इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ ही मानव और वन्य जीव संघर्ष को किस तरह से रोका जा सकता है, पहाड़ों में खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली सुअरों को रोकने के लिए मिशन लोमड़ी की शुरुआत भी की जाएगी, साथ ही लोगों को बंदरों के आतंक से बचाने के लिए बाध्याकरण के लक्ष्य को भी बढ़ाया जाएगा। बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि अब से वन्यजीव संघर्ष में मृतक व्यक्ति को 4 लाख की बजाय 6 लाख मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही भालू के हमले को भी मुआवजे की राशि में शामिल किया जाएगा। बैठक में किस तरह से वन विभाग ये वाइल्ड लाइफ के माध्यम को जनरेट भी किया जाए और किस तरह से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी किया जाए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी थे और साथ साथ एक मिशन लोमड़ी जिससे कि सुअरों की संख्या को कम किया जा सके उसको भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और साथ ही वन विभाग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम जो इस समय बंदरों के इस तरह इसम के लिए किया जा रहा है, 50,000 का लक्ष्य इस वर्ष का रखा गया था। उत्तराखंड की बहनें रक्षाबंधन वाले दिन 30 अगस्त को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में उत्तराखंड में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सीएम धामी ने सचिव परिवहन अरविंद सिंह हॉकी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि राज्य सरकार कई वर्षों से रक्षाबंधन पर बहनों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देती आई है। इस बार भी यात्रा के दौरान महिलाओं और बहनों से बसों में कोई किराया नहीं लिया जाएगा, इसका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। धामी ने सचिव परिवहन सिंह हाकी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। बता दें कि राज्य सरकार कई वर्षों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए हॉकी ये तीसरी घटना है जिसमें गौ रक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन इससे हमको दोहरे नुकसान। एक तो काजी हाउस में जो हुआ है, 8 गायें मरी भी मिली हैं, और जब पत्रकार वहाँ गए वहाँ चारा नहीं था, तो इसका मतलब कई दिनों से गायों को भूखा रखा गया था, प्यासा रखा गया था। ये अन्याय है, और ये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत यहाँ के काजी हाउस के अधिकारी कर्मचारियों पर और यहाँ के मेयर के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, काजी हाउस की स्थिति जितनी अजीबोगरीब उन्होंने दिखाई है, मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी वहां जाके देखें और सही स्थिति क्या है उसको जनता के सामने रखें। जो उन्होंने कल फोटोएं भेजी हैं, मुझे भी पोर्टल के माध्यम से, अनेक समाचार माध्यमों के माध्यम से ये फोटोएं मिली हैं, जिसमें डेट पड़ी हुई है। और डेट किसने डाली? डेट हमने तो डाली नहीं है, ये आपके पोर्टलों में चल रही है, कहीं कहीं किसी के, मैं आपके नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ पोर्टलों में चल रही है, उनकी डेट देख लें, सारी सत्यता सामने आ जाएगी। वहीं देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता एक दिन के मौन दिवसीय धरने पर बैठे। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे और जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने एक दिवसीय मौन पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा मुंह पर काली पट्टी बांधे नजर आए। बता दें कि ये मौन प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के चलते किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार पर बढ़ते महिला अपराधों पर कोई उचित कार्यवाही न करने और महिला अपराधों को करने वालों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए। सम्मान का सवाल है। अंकिता ने अपना बलिदान दिया, उसको बात भी किया जा रहा था कि वो उस रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी को विशेष सेवा दे, और उसने अपने फेसबुक में अपने मैसेज में क्लियर कहा कि मैंने इनकार कर दिया है और मुझे प्रताड़ित किया है। और जिस तरीके से साक्ष्य नष्ट किए गए, बुलडोजर फिराया गया, रिजॉर्ट में आग लगाई गई, सीसीटीवी कैमरास फोड़े गए, पटवारी और पुलिस हलके के बीच के विवाद में 5 दिन तक उसके सब को नहर से निकाला नहीं गया, उसके मोबाइल को 7 दिन बाद निकाला गया। वही मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री द्वारा मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मसूरी को तहसील का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। प्रस्ताव पारित होने के बाद मसूरी बीजेपी मंडल द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर मिष्ठान वितरित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी को तहसील का दर्जा मिलने के बाद आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रथम तो मैं कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मसूरी को तहसील का दर्जा दिया है। इससे एक आम जनमानस के जो रोज़ के काम होते थे, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे सरकारी योजनाओं के लाभ से रिलेटेड हो, सबको उसका लाभ मिलेगा। और ये बहुत हर्ष की बात है कि लोगों को, देखो, देहरादून जाना पड़ता था अपने छोटे छोटे कामों को करवाने के लिए, अब उप जिलाधिकारी महोदय भी यहीं बैठेंगे, पटवारी भी यहीं बैठेंगे और तहसीलदार भी यहीं बैठेंगे,
तो ये हर्ष का विषय है। जो मसूरी की थी कि पूर्ण तहसील का दर्जा मिल गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे गौराधन के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें स्थायी निवास, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, सारे कागजों को लोग छात्रों को भटकना पड़ता है। उसकी एक सीमित डेट होती है कि उसके बाद नहीं भरा जाता, तो कई बार कोई अधिकारी नहीं मिलता, उसके वजह से वो कागज डॉक्यूमेंट नहीं पूरे कंप्लीट हो पाते थे। 100 में से 80% बच्चों को ही उसका लाभ मिल पाता। देखिए, हम कभी भी विकास विरोधी नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में विकास हो, और इसी कड़ी में अगर मसूरी को तहसील बनाया जा रहा है, कैबिनेट ने उसका प्रस्ताव पारित किया है, तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन ऐसा ना हो कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड में जो नजूल की भूमियां हैं उनको फ्रीहोल्ड करने की बात कही थी। कैबिनेट स्तर से तो वो हो गया था प्रस्ताव पारित, लेकिन धरातल पर वो आज भी नहीं आया, उसको कोई भी जीओ आज तक जारी नहीं हुआ। उत्तरकाशी के बुग्याल में वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 17 अगस्त को यह आयोजन किया जाएगा। उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दयारा बुग्याल में आगामी 17 अगस्त को बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि देश और दुनिया में पहला अनोखा मेला होता है जहां पर छाछ और मक्खन से होली खेली जाती है। दयारा के पर्यटन उत्सव समिति के अध्यक्ष मनोज राणा के मुताबिक इस बार भी समिति का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और इस वाटर फेस्टिवल का आनंद ले, जिसे स्थानीय भाषा में अटूडी उत्सव कहा जाता है। सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पर्यटन विभाग इस समय इसमें पूरे जोर शोर से हमारी मदद करी, इस फेस्टिवल को प्रचार प्रसार के पर्यटन विभाग ने और संस्कृति विभाग ने हमारे समय मदद की है। और पर्यटन विभाग का खासकर तो मैं सचिन कुर्वे जो हमारे पर्यटन सचिव हैं वो काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले रहे हैं और उन्होंने हमारी इसमें बहुत सहयोग किया है और इस फेस्टिवल को चार चांद लगाने के उन्होंने हमें देश दुनिया के चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे अपने स्तर से प्रचार प्रसार का जो माध्यम है उसके द्वारा हमारा सहयोग किया। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, पर्यटन मंत्री और हमारे जो विधायक हैं वहाँ के माननीय सुरेश चौहान जी, वो लगातार हमारे साथ हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।